प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एजु हब पानसर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास फिजिक्स में टॉपिक पढ़ेंगे सदिश के प्रकार। हमने इससे पहले की वीडियो में बात की थी सदिश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हमने उससे पढ़ा था अदिश के बारे में, सदिश के बारे में, परदिश के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे सदिश के प्रकार की, जो सदिश है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम इसका अगर हम पहले प्रकार की बात करें, नंबर एक पर आते हैं समान या समतुल्य सदिश। इसका पहला प्रकार है समान या समतुल्य सदिश। दोगी क्या होते हैं, जैसे अगर हम इसको डायग्राम समझे, जैसे माना हमारे पास में हम दो अक्ष लेते हैं, ये माना एक्स अक्ष है, ये माना वाई अक्ष है, और माना हमारे पास में दो सदिश हैं, ये ए वेक्टर इसको मान लेते हैं, दूसरे को बी वेक्टर मान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो भी सदिश होते हैं उनका परिमाण, उनके मात्रक, उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो परिभाषा हम कह सकते हैं कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण, जिनकी दिशा और उनके मात्रक समान होते हैं उन्हें समान या समतुल्य सदिश कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। वैसे इसकी परिभाषा नाम से स्पष्ट हो जाती है, समान समतुल्य नहीं, सभी समान, मात्र भी समान हो गया, दिशा भी समान है, इसका परिमाण भी समान है, तो ये कहलाते हैं समान या समतुल्य सदिश, जिनके परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो और मात्रक भी समान हो। दूसरा अगर हम टाइप बात करें, इसका सेकंड प्रकार आता है असमान सदिश। असमान सदिश, तो असमान सदिश में क्या होता है, नाम के असमान, इसके अंदर हम डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे माना ये हमारे पास में सदिश ए वेक्टर है और ये हमारे पास में सदिश बी वेक्टर है। तो इसके अंदर जो सदिश होते हैं उनकी दिशा भी अलग अलग होती है, उनका परिमाण भी अलग अलग होता है। तो जब दो या दो से अधिक सदिशों का परिमाण तथा उनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो ऐसे सदिश जो है असमान सदिश कहलाते हैं, इनको असमान सदिश कहा जाता है। तो आप इसमें समझ गए होंगे, परिमाण भी अलग अलग हो उनकी और दिशा भी क्या हो, अलग अलग हो, तो ये कहलाते हैं असमान सदिश। नंबर तीन पे आते हैं विपरीत सदिश। तीसरा प्रकार हम देखें, तीसरा है इनका विपरीत सदिश, इनका तीसरा प्रकार है। तो इसमें क्या होता है, इसका नाम विपरीत है। जैसे डायग्राम अगर हम बात करें, इसमें माना ये हमारे पास में सदिश ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इस प्रकार के जो सदिश होते हैं उनमें जो दिशा होती है विपरीत होती है, यानी परिमाण समान हो, दिशा अगर विपरीत हो, तो ऐसे सदिश है वो विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत दिशा विपरीत हो, परिमाण समान हो, तो ये जो सदिश है ये विपरीत सदिश कहलाते हैं। तीसरा जो प्रकार आता है, चौथा प्रकार जो आता है वो आता है एकांक सदिश। एकांक सदिश, इनको इकाई सदिश भी कहा जाता है, एकांक या इकाई सदिश। तो ये क्या होता है, इनकी की जो परिभाषा है वो इनके नाम से स्पष्ट है, इकाई या एकांक, यानी जिनका परिमाण एक होता हो, यानी ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता हो उन्हें इकाई सदिश या एकांक सदिश कहा जाता है। और जो उनकी दिशा होती है, उनकी दिशा सदिश के समांतर, अक्ष के समांतर उनकी दिशा होती है, इनका परिमाण एक होता है। जैसे माना अगर वो सदिश हमारे पास में ए वेक्टर हो, अगर हम इसका एकांक सदिश निकाल जाए इसका, तो निकालते हैं ए के बराबर ए वेक्टर, यानी सदिश बटे सदिश का मापांक। इस तरह से एकांक सदिश जो है निकाला जाता है। अगर हम अक्षों की बात करें, लंबवत
की बात करें, लंबवत अक्षों में सदिश तीन प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम एक्स अक्ष और वाई और जेड की बात करें तो मान एक्स अक्ष हो गया ये वाई और इधर से हो गया ये जेड। तो एक्स अक्ष में आई कैप होता है, ये भी एकांक सदिश होता है। वाई अक्ष में जे कैप होता है, ये भी एकांक सदिश होता है। और जेड अक्ष में के कैप होता है। तो आई कैप हो गया एक्स अक्ष में, जे कैप हो गया वाई अक्ष में, के कैप हो गया जेड अक्ष में। तो ये ऐसे एकांक सदिश होते हैं, ये अक्षों की दिशा को बताते हैं, इनका परिमाण एक होता है और तीन अक्षों में आई जे कैप इस तरह से होते हैं जो अक्ष की दिशा को बताते हैं। और इनका जो पांचों जो प्रकार आता है वो आता है शून्य सदिश। नंबर पांच पे आता है शून्य सदिश। तो ये क्या होता है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण और उनकी दिशा भी शून्य हो उनको शून्य सदिश के नाम से जाना जाता है। यानी उनका परिमाण भी शून्य हो, दिशा भी इनकी शून्य हो, तो उन्हें हम शून्य सदिश कहा जाता है। तो ये हमारे सदिश के प्रकार थे। आज इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।